पास्ट कंटिन्यूस टेंस इन उर्दू और हिंदी में सीखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं हूँ आमिर और आप देख रहे हैं आमिर महक टीवी चैनल। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बाद पास्ट कंटिन्यूस की, जिस पास्ट से लफ्ज़ से ही जाहिर है कि हम माजी की बात कर रहे हैं, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में ऐसे काम या एक्शन के बारे में बात की जाती है जो माजी में मुसलसल जारी था। मिसाल के तौर पे मैं कराची जा रहा था, मतलब वो काम कंप्लीट नहीं था, जारी था। वो क्रिकेट खेल रहे थे, वो खाना खा रहे थे, हम स्कूल जा रहे थे, इस तरह के जुमले उर्दू में हम फेले माजी जारी के नाम से पहचानते हैं और इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से इसे पहचाना जाता है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से एक सिलेक्ट किया जाता है सब्जेक्ट को देखकर, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल आपके सामने है, मैं मजाक कर रहा था, आई वाज जोकिंग। आई सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब और जोक और आईएनजी का इजाफा। याद रहे कि अगर वर्ब में वर्ब के आखिरी वर्ड में वावल हो तो वावल हटा के आईएनजी का इजाफा कर, जैसे जोक के साथ ई आता है तो हमने ई हटा दिया और आईएनजी का इजाफा कर दिया। तो आई वाज जोकिंग, मैं मजाक कर रहा था। ही शी इट नाम और आई के साथ हमेशा वाज आएगा। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, वो अपने भाई को मार रहा था, ही वाज बीटिंग हिज ब्रदर। बीटिंग मारना। वो स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। देखें, गो और गो के साथ आई एन जी का इजाफा किया पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तीसरी एग्जाम्पल थी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, हम लाहौर नहीं जा रहे थे। ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वाज वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है, बाकी सेम रहता है। वी वर नॉट गोइंग टू लाहौर। वी दे यू के साथ हमेशा वर हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, यू आर नॉट डूइंग वर्क। तुम काम नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट डूइंग वर्क, या यूं भी आप कर सकते हैं, यू आर नॉट परफॉर्मिंग वर्क। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे घर बैठ के, कमेंट्स के अंदर आप लिखेंगे जुमला बना के, उतनी आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। क्या वो मुझसे बात कर रहा था, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले को कहते हैं। वाज और वर्ब शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। वाज ही टॉकिंग विद मी, क्या वो मुझसे बात कर रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या अली अपना सबक याद कर रहा था, वाज अली लर्निंग हिज लेसन। देखें, नाम ही शी इट और आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा। दोबारा दोहरा रहा हूँ, दरवाजे पर कौन खड़ा था, कौन, कब, कैसे, इस तरह के जुमलों को बोलने के लिए इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो शुरू में आते हैं, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर। तो यहाँ पे देखें, हु वाज स्टैंडिंग एट द डोर, हु, इस तरह के जुमले डब्ल्यू सीरीज जो है वो शुरू में आएगी, फिर वाज, फिर सेम ही रहेगा। लास्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर, क्या हम सो रहे थे, वर वी स्लीपिंग। दोस्तों, ये आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप कोई भी वीडियो हमारी मिस नहीं करेंगे। आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।